नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आज फारबिसगंज प्रखंड के मियाहाट चोरा परवा दुर्गा मंदिर के समीप सड़क मार्ग पर बुधवार की दोपहर सिटी रिक्शा की ठोकर से एक 3 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। सिटी रिक्शा इतनी तेज रफ्तार से बच्चे को ठोकर मारा कि बच्चे के दाहिने कान से खून का फव्वारा निकल पड़ा। स्थानीय लोग बच्चे को आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सक ने बालक को मृत घोषित कर दिया। मृतक बालक चोरा परवाह वार्ड संख्या 14 निवासी मनोहर रजक का 3 वर्षीय पुत्र प्रत्युष कुमार रजक बताया जाता है। घटना के संदर्भ में मृतक के स्वजनों ने बताया कि मृतक बालक अपनी मां कृष्णा देवी के साथ मियाहाट स्थित अपने पिता का दुकान खाना लेकर जा रहा था। पीछे से आ रही तेज रफ्तार सिटी ने ठोकर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा बालक को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सिटी चालक सिटी के साथ मौके से फरार हो गया। सिटी चालक की पहचान मोहम्मद छेदिया पिता मुख्तार मियां रामपुर उत्तर निवासी के रूप में हुई है। घटना के संदर्भ में मृतक बालक के पिता के द्वारा स्थानीय थाने में नामजन आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही थाना के दारोगा अमर कुमार ने पुलिस बल के साथ अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर पीड़ित स्वजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस के द्वारा बालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अस्पताल में मौजूद ग्रामीणों में अभिषेक कुमार, संतोष कुमार, शिवम कुमार, मिथुन कुमार, मुर्शीद आलम, नंदन शर्मा, संजीत पासवान, आनंद शाह, राजू बेठा, मंटू बेठा आदि लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। मृतक बालक भाई में अकेला है। उसकी एक बहन है। पिता मियां हाट पर चाय नाश्ते का दुकान करता है। अचानक हुए हादसे के बाद स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की पुष्टि करते समय थाना अध्यक्ष आफताब अहमद ने कहा कि बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीड़ित स्वजनों के आवेदन पर जांच करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। फारबिसगंज से ओम प्रकाश सिंह की यह खास रिपोर्ट। जैसे हमको मालूम चला है, हाँ, ये चौरा प्रवाह वार्ड नंबर 14 से, हाँ, दादी जो एक्सीडेंट किया है उसका दादी, हाँ, और अपना खुद पप्पा का खाना लेके जा रहा था और बगल में ही सिटी वाला जा रहा था, उस पर जो है चढ़ा दिया गया। बच्चा को ऐसा स्थिति है कि वहाँ प्लॉट पर जो है ना पूरा भींगा हुआ, ब्लड पूरा भींगा हुआ। और जैसे ही आते आते डॉक्टर के पास यहाँ सरकारी हॉस्पिटल आए तो मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता का क्या नाम है? मनहर कुमार रजक। घटना के बारे में क्या जानकारी मिलती है? घटना के बारे में जानकारी फोन के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है कि मेरे ही पंचायत का बच्चा है, उम्र लगभग 3 से 4 साल है, और वार्ड नंबर 14 चौरा परवा भागकोलिया पंचायत का। तो सिटी से दुर्घटना हुआ है। किस जगह? ये आपका चौरा परवा वार्ड नंबर 13। बच्चा का क्या नाम है? बच्चा का नाम तो हमको मालूम नहीं है। उसके पिताजी का नाम मनोहर है, मनोहर बैठा गोलू नाम है। इसको यहाँ अनुमंडल अस्पताल ले गया। अनुमंडल अस्पताल लाया गया, डॉक्टर के द्वारा इसको मृत घोषित कर दिया गया है। बच्चे को इनको पोस्टमार्टम में भेजा जाएगा क्या? जी, उसके परिजन लोग सभी यहीं पर इकट्ठा है, विचार हो रहा है, जो भी प्रोसेस है उसको किया जाएगा।